आईडी के ऊपर आईडी होता है। सॉरी दीदी, हम देख रहे हैं कि महाकाल में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, पहले मूर्तियां जो है वो उखड़ गई, उसके बाद गर्भगृह में आग लग गई, और अब जो है वो महाराजवाड़ा के बगल की एक दीवार गिर गई। तीन तरह की इस तरह की घटनाएं सामने आई। इसमें बहुत संवेदनशीलता और बहुत सतर्कता के साथ हमको निर्णय भी करना पड़ेंगे और चिंता भी करनी होगी। वो बहुत पुरानी दीवार थी और गिरी, घायलों के पूरे इलाज और उनकी मदद और सेवा की पूरी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और जो आप बता रहे हैं, बस मेरा भी यही प्रार्थना है कि महाकाल सबके प्रति, पूरी समग्र सृष्टि के प्रति समानता का भाव रखते हैं। तो वहाँ भक्तों के साथ मैं सोचती हूँ कि जो सोमनाथ की पूजा पद्धति है उसी को हमें उज्जैन में अपनाना चाहिए। सभी जल वहाँ बाहर से ही चढ़ाते हैं और जल महाकाल प्रभु को जाके समर्पित हो जाता है। हमें वहाँ भेद रहित व्यवस्था करनी होगी। कोई VIP नहीं होगा, कोई जन सामान्य नहीं होगा। वहाँ कोई जाए तो बस भक्त जाए और जो व्यवस्था बनी है उसका अक्षरशः पालन करे, तो ही हम इस प्रकार की अप्रिय घटनाओं से बच पाएंगे। मतलब मानते हैं आप चूक होती कहीं ना कहीं, कुछ ऐसी चूक हो रही है? देखिए, कोई दुर्घटना होती है तो अब व्यवस्थाएं हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था में कहीं कोई मानव निर्मित त्रुटि हो सकती है तो उसको सुधारा जाता है, उसकी पुनरावृत्ति ना हो इस बात की चिंता की जाए। लेकिन महाकाल लोक निर्माण और इतने जो बड़े विस्तार पर, मतलब बड़ा विस्तार किया जा रहा है, उसके कहीं ना कहीं उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पूजा पद्धति हो गई या कोई और हो गए, चिन्ह हो गए, धार्मिक चिन्ह हो गए, इनको कहीं ना कहीं नुकसान भी? नहीं, ऐसा नहीं है। विषय विशेषज्ञ पूरे कार्य की निगरानी कर रहे हैं और महाकाल तो जहाँ महाकाल स्थापित है उससे बड़ी तपस्थली कोई हो ही नहीं सकती है। रही व्यवस्था और प्रक्रियाओं की बात, तो जब से महाकाल लोक बना है निरंतर जो भी कमियाँ परेशानी दिखाई दे रही है उनके समाधान के लिए व्यवस्थाओं को बढ़ाया जा रहा है। ये घटना बाहर भी हो रही है, प्रदेश में भी हो रही है, और अब इंदौर में भी 2 दिन पहले एक बच्ची के साथ इस तरह की अप्रिय घटना की बात सामने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।